क्या नाम है आपका? पूर्व सैनिक लखनलाल कुशवाहा, फसाई टपरिया, झांसी। मैं आर्मी सेवानिवृत्त हूँ और एक विद्यालय चला रहा हूँ। मेरी पुलिया नंबर ना रूंज पंच महल में जगह है, जो पुश्तैनी जगह है, और मैं उस खेती कर रहा हूँ। आपसी बंटवारे की जगह में जो मिली थी उसमें मैं खेती कर रहा हूँ। मेरे छोटे भाई जैन सिंह ने अपनी कूटनीति राजनीति करके उस जगह को बेच दी, दखल खारिज नकारा करे उसको, मेरी जगह बेच, पहले उसके बड़ा भाई बेच चुका उस जगह को, उसके बाद मेरे जब हमारे दोनों भाइयों की जगह रामगोपाल और मेरी जगह को बेच दी उसको और रजिस्ट्री कर दी। अब वो कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उसमें उसको काम करा रही है। हमको भगा दी वहाँ से, जाओ आप स्टे लेके आओ और जब ही काम रोकेंगे, जब तक काम नहीं रोकेंगे। हम बहुत परेशान हैं, पुलिस ने सबने भगा दिया और उनसे बोला काम करो आप। वो जमीन किसके नाम पे थी? मेरे नाम लखनलाल रामगोपाल और मेरी माँ के नाम से जगह है, सामन खाते की जगह है। बंटवारा नहीं हुआ, बंटवारा दायर है और उसमें कार्रवाई चल रही है, लेकिन यहाँ काम करवाया जा रहा। अब क्या चाहते हो आप? हम चाहे मुझे न्याय मिले, काम रुक जाए, काम रुक जाए, जिससे हमारे जो जैसे की जितनी जगह है उतनी जगह ले ले, हम ये चाहते हैं। आप कौन है उनके? मैं चाचा हूँ जी। आप बताइए क्या है सच्चाई, किसकी जमीन थी वो? वो सच्चाई जगह इन्हीं की है। अच्छा, और उसमें 9 भाई शामिल खाते में है, वो शामिल खाते की पूरी है। शामिल खाते में उसने नाजायज का फायदा उठा लिया और उसके उन लोगों दोनों भाइयों के पास हिस्सा पूरा हो चुका है। कितनी जमीन थी? करीब 20,000 स्क्वायर फुट। अच्छा, हाँ। तो इन लोगों ने बेच बाज के, और गरीब लोग हैं उनको भी नहीं मिल रही है बेचारे, वो भी परेशान हैं और गुमराह ये लोग कर रहे हैं। कल के दिन ये बेच सकते हैं, कल के दिन दूसरी गरीब की जगह भी बेच सकते हैं ये लोग। इसलिए हम चाहते कि ऊपर से योगी से इसकी लिखा पढ़ी होए और सही ईमानदारी से इसका बंटवारा होके अपनी अपनी जगह के हकदार बने। जी, मैं SSP ऑफिस आया हूँ, मैं पहले भी अपील दिया, उस पर भी पुलिस ने रिपोर्ट लगा के भेजा कि आप न्यायालय में केस दायर करो। हमने न्यायालय में केस दायर करा, लेकिन पुलिस वहाँ का कि बनवा रही, काम खड़े हो गए, उधर काम चल रहा, हमको वहाँ से भगा दिया गया। क्या नाम है आपका? जैन सिंह कुशवाहा। आपके भाई लखन कुशवाहा जी आज SSP के यहाँ ज्ञापन दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि आपने किसी व्यक्ति को जमीन बेच दी आपने बिना पूछे। आखिरकार क्या है पूरा मामला? मामला कुछ नहीं है, मतलब कि मेरी माता जी की और मेरे बड़े भैया का हिस्सा जो है, मैं तो अपने हिस्से की और माता जी के हिस्से की जगह ली है और उसी जगह को बेची है। ये लोग अपनी नाप नहीं करवा रहे हैं और मतलब कि हम लोगों से मतलब कि जवाब हम कहा कि मतलब जगह देना नहीं है, बस इस प्रकार के कह रहे थे। तो मेरी बिटिया की शादी थी 8 दिसंबर की, मैंने बिटिया की शादी के लिए मतलब कि कोई व्यवस्था की इन लोगों से की, तो ये लोग कोई ना मेरी बिटिया की शादी में तीनों जन नहीं आए, ना राजेंद्र कुशवाहा, ना रामगोपाल कुशवाहा, ना लखनलाल कुशवाहा, कोनो भी नहीं आए ये लोग। अच्छा, ये बताइए आप कि ये जमीन आपने बेची, जो काम चल रहा है, आप उसको सही मानते हैं गलत? सही है जगह, मतलब कि आपने उसके पैसे लिए जमीन? पैसे ले लिए हमने। क्या आपने उस पैसों को आपने लखन भाई साहब को दिए? नहीं, हम क्यों देंगे? जब मैं अपनी जगह बेच रहा हूँ, मैं अपने हिस्से की जगह बेच रहा हूँ, तो मैं ही तो लूंगा उस हक को। मैं लखन भाई साहब को क्यों दूंगा, क्यों राजू भाई साहब को, क्यों गोपाल भाई साहब को? जब मेरा हिस्सा है, मैं अपनी जगह का पैसा अपने लूंगा। मैं उनके स्कूल में जा रहा हूँ, या मुझे जो स्कूल का हिस्सा दे रहा है, स्कूल के हिस्सा को कोई नाप नहीं रहा, ना आप लोग नाप रहे, ना कोई नाप करवा रहा, कोई भी प्रशासन नाप नहीं करवा रहा। स्कूल में कम से कम 20,000-25,000 स्क्वायर फीट में घेरे हैं जगह, उसकी बात होती ही नहीं है। दूसरे जन पूरी जगह घेरे लिए हैं। ठीक है, बस हमें दबा रहे थे केवल इसी बात से, मतलब तो हमने ठीक। शिव कुमार का नाम है। अच्छा शिव जी, ये बताइए क्या है पूरा मामला? दूसरे पक्ष से कहना है कि इस तरीके से यहाँ दीवार बनाई जा रही है, आपका क्या है पूरा बताइए? ऐसा है कि भाई हमने यहाँ जगह ली हुई थी जैन सिंह से, उनके परिवार के लोग विवाद ये डाल रहे हैं कि इसमें उनका हिस्सा है, जबकि जैन सिंह ने अपने हिस्से की जगह बेची। उनसे हमने रजिस्ट्री कराई है, उनको पैसा दिया है, और आज हम 2 महीने से वेट कर रहे थे, 2.5 महीने से कि हमें काम लगाना है। इन लोगों से काफ़ी बात हुई परिवार के लोगों से, तो वो कह रहे ठीक है ठीक है। आज हमने जब काम लगाया तो इन लोग आए कि साहब काम नहीं लगाओ, फिर मौके पर पुलिस भी आई, उनने कागज दिखे सारे लोगों के, और हम लोग काम लगाए। उनका ये कहना है कि इसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, ऐसा कुछ भी है क्या? अच्छा, आपने जमीन ये कब खरीदी थी? बैठ के बात हो गई थी सारी, ये सब राजी हो गए थे कि भई हमें कोई मतलब नहीं, जब काम लगाने हम लोग आए तो इन लोगों ने हमसे बदतमीजी की कि साहब ये है हमारी जगह, जबकि जैन सिंह खुद मौके पे आया, उसने कहा साहब हमने बेची है और हमें पैसा मिला है इसको। आप क्या चाहते हैं मतलब इसमें? बस हमें अपना, हमने काम लगाया, बस हमने काम लगा के अपना कुछ बनाएंगे, घर आप जो भी बनाएंगे।